आप वीडियो में एलईडी देख रहे हैं। एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बहुत सारे कलर और डिज़ाइन और साइज़ की होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट। अगर एलईडी में हम करंट फ्लो करवाएं तो ये जलने लगती है, मींस ये ग्लो होने लगती है। जिस कलर की एलईडी होगी उस कलर की ग्लो होने लगेगी। लेकिन हर एलईडी की एक निश्चित वोल्टेज और करंट रेंज होती है। कोई एलईडी 2 वोल्ट पे काम करती है, कोई एलईडी 3 वोल्ट पे काम करती है, कोई एलईडी 1.8 वोल्ट पे काम करती है। एलईडी लगभग 20 mA करंट लेती है। एक निश्चित सीमा से ज़्यादा अगर करंट एलईडी में फ्लो करवाया जाएगा तो एलईडी ख़राब हो जाती है। और एलईडी को ख़राब होने से बचाने के लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। अलग अलग कलर की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होता है। इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह। एलईडी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? एलईडी को ओवर करंट से बचाने के लिए हम एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। यह रेजिस्टेंस एलईडी में करंट को कंट्रोल करता है, मींस ये करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। एलईडी के करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि एलईडी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। तो मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया है और एक, ये देखिए, मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया है और एक एलईडी कनेक्ट कर दी है रेजिस्टेंस के सीरीज में इस तरह से। हमने एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और बैटरी का ये पॉजिटिव तार और ये बैटरी का नेगेटिव तार कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमारी एलईडी ग्लो करने लगी है इसमें। अब हमने इनपुट पे दिया है 6 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो इसमें ड्रॉप हो जा रहा है इस रेजिस्टेंस में और हमारी एलईडी सेफ है। तो इस एलईडी का हम करंट और इसके क्रॉस वोल्टेज चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। तो अभी हम एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना है। तो आप देखिए ये 1.9 वोल्ट है एलईडी के अक्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है 4.3। और टोटल वोल्टेज हमने, बैटरी वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज 6.75 वोल्ट। तो इतना जो है इसमें ड्रॉप हो रहा है 4.78। और ये एलईडी के क्रॉस वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको हम बीएफ बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ एलईडी 1.9। हर एलईडी, हर कलर की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, रेड का 1.9 है, ऐसे ही ग्रीन का मैं आपको दिखाता हूँ। वोल्टेज ड्रॉप आप देख सकते हैं 2.9 वोल्ट है। तो हर कलर की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होता है। इसी तरह से अब मैं आपको येलो कलर की एलईडी का दिखाता हूँ। येलो कलर की एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप भी कुछ और होगा, ये देखिए 2 वोल्ट है येलो कलर। इसी तरह से ब्लू कलर की एलईडी का और वाइट कलर की एलईडी का भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ब्लू कलर की एलईडी का 3.3 वोल्ट है और वाइट कलर की एलईडी का देखेंगे तो ये देखिए इसका भी 3 वोल्ट है। और एक और कलर है इसका, थोड़ा सा और भी ज़्यादा होगा, ये ब्लू कलर है दूसरी एलईडी, ये देखिए इसका 3.5 वोल्ट है। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मैं आपको एलईडी में फ्लो होने वाली करंट दिखाता हूँ। ये लगभग 20 mA होती है या उससे कम। करंट को मेजर करने के लिए अमीटर को मल्टीमीटर के एलईडी के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और ये कुछ
करंट रीडिंग आने लगी है। तो ये है 1.9 मिली एम्पियर, लगभग 20 मिली एम्पियर के आसपास है ये। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरे कलर की एलईडी दिखाता हूँ, ग्रीन कलर की एलईडी, लगभग ये भी इतना ही करंट लेगी। ये देखिए लगभग 11 मिली एम्पियर करंट ले रही है। इसी तरह से मैं आपको ब्लू कलर की एलईडी का करंट दिखाता हूँ। देखिए ये वाइट कलर की एलईडी है, इसका भी लगभग 11 मिली एम्पियर करंट ले रही है। इसी तरह से मैं आपको एक ब्लू कलर की एलईडी दिखाता हूँ। ब्लू कलर की एलईडी भी लगभग 10-11 मिली एम्पियर करंट ले रही है। इस तरह से इसमें देख रहे हैं आपने करंट ड्रॉप देखा है डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडी में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि एलईडी को कैसे टेस्ट करते हैं। एलईडी को टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में ले जाएंगे और एलईडी के दोनों टर्मिनल पर इसको टच करेंगे। देखेंगे इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, ये देखिए 1.6 वोल्ट ये शो करेगा और एलईडी ग्लो करेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं ना, तो इस तरह से हर एलईडी को हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये जल रही है तो ठीक है, और इसको अगर पलट के देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ये ओएल रहेगा। तो एलईडी को दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं, एक तो डायोड मोड में ले आके तो एलईडी ग्लो करने लगेगी। हम इसी तरह से आपको दूसरी एलईडी भी टेस्ट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए मैं एक दूसरी एलईडी को भी दिखा रहा हूँ। एलईडी के पॉजिटिव पर मल्टीमीटर का रेड वायर, ये देखिए, और इसका रेजिस्टेंस भी कुछ दिखाएगा। और तार बदलने पे ये एलईडी नहीं जलेगी। हर एलईडी में फॉरवर्ड वोल्टेज थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर कंपनी की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज एकदम एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें कुछ मिली वोल्ट का हो सकता है। एलईडी मार्केट में कई सारे कलर और साइज में अवेलेबल है। इस तरह से आप ये एलईडी देख रहे हैं, इस एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं। जो लंबा वाला टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है। आप देख सकते हैं किसी भी एलईडी को, एक दूसरी एलईडी है, देखिए मैंने ग्रीन कलर की एलईडी ली, इसमें लंबा टर्मिनल एनोड है और छोटा टर्मिनल कैथोड है। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और मल्टीमीटर की हेल्प से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है और मल्टीमीटर के अंदर बैटरी होती है, तो अगर मल्टीमीटर का रेड वायर एलईडी के लंबे वाले टर्मिनल पर लगाएंगे और ब्लैक वायर एलईडी के छोटे वाले मतलब शॉर्ट वाले टर्मिनल पर लगाएंगे तो एलईडी ग्लो करने लगेगी, क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है। देखिए एलईडी ये ग्लो कर रही है। ऐसे ही अगर हम इसको पलट के लगाएंगे, एलईडी के छोटे वाले टर्मिनल पर रेड वायर कनेक्ट करें और अगर तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। एलईडी ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर पलट दिया है, और लॉन्ग वाले टर्मिनल पर हमने मल्टीमीटर के ब्लैक वायर कनेक्ट किया तो एलईडी नहीं ग्लो हुई थी। तो इस तरह से हम किसी भी एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में सेट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे कलर की ये रेड एलईडी को भी देखिए, लॉन्ग टर्मिनल पर हमने ब्लैक लगाया तो नहीं जल रही है, और अब जब हम लॉन्ग वाले पे रेड और उस पे ब्लैक लगा रहे हैं तो एलईडी ग्लो कर रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है ये बात देखेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारी एलईडी को ओवर करंट फ्लो होने से बचाता है और एलईडी हमारी ख़राब होने से बच जाती है। इस सर्किट में हमने एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लिया है और एक वोल्टेज सोर्स ले लिया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव से और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है।
अब हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये कंडीशन फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। फॉरवर्ड बायस में बैटरी का पॉजिटिव और एलईडी का जो एनोड होता है उससे कनेक्ट किया जाता है, और बैटरी का नेगेटिव एलईडी के कैथोड से कनेक्ट किया जाता है। तो हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 6 वोल्ट का है, और एलईडी में यहाँ पर 2 वोल्ट का वोल्ट इसमें ड्रॉप होता है, जो इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, इसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो कितना बचा 4 वोल्ट। तो हमें 4 वोल्ट को ड्रॉप कराना है इस रजिस्टर में। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर एस इक्वल टू बी एस माइनस बी एफ अपान आई एफ, जो फॉरवर्ड करंट है। एलईडी की एक स्टैंडर्ड फॉरवर्ड करंट होती है, उसको हम लेके चलते हैं 20 मिली एम्पियर। तो 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट अपान 0.02 एम्पियर, हमने मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा 200 ओम आया। हम 200 ओम का रेजिस्टेंस इस एलईडी की सीरीज में लगाएंगे तो हमारी एलईडी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम 9 वोल्ट का सोर्स लेंगे, ये हमने एक रेजिस्टेंस एलईडी के सीरीज में लगा दिया है, और एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। एलईडी का जो एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम एलईडी के कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। इसमें हमारा एलईडी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2.5 वोल्ट हो रहा है। मान चलिए हमारी वाइट एलईडी है तो उसमें लगभग 2.5 के आसपास होता है। तो और 9 वोल्ट का हमने सोर्स लिया है, तो 9 माइनस 2.5 ये 6.5 हो गया। तो उसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे, आर एस इक्वल टू बी एस माइनस बी एफ अपान आई एफ से। तो 9 वोल्ट माइनस 2.5 अपान 0.002 एम्पियर। इस तरह से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 6.5 अपान 0.02 एम्पियर, ये हमारा हो जाएगा 325 ओम। तो इसकी जगह पे हम लगभग 330 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एलईडी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। 325 ओम का रजिस्टर नहीं आता है, एक ये 330 ओम का रजिस्टर आता है, तो इसको हम लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एलईडी की थ्योरी का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, और आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।